आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। नितिन गडकरी का ऐलान, अमेरिका की तरह उत्तर प्रदेश में बनाएंगे सड़कें, अगले 5 सालों में देंगे 5 लाख करोड़ रुपए। दिल्ली में जल्द लग सकता है नाइट कर्फ्यू, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ले सकती है फैसला। बोफोर्स दलाली मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन। असंगठित क्षेत्र का हर तीसरा श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत, केंद्रीय श्रम मंत्री ने दी जानकारी। देश में जल्द शुरू होगी नेजल और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन, पीएम मोदी ने किया ऐलान। यूपी के स्वास्थ्य सुविधाओं पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, बोले नाम फिरोजाबाद इसलिए बच्चों को आया बुखार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फेंसिडिल कप सिरप के 2 सप्लायर को बड़ी राहत दी, कहा ये नारकोटिक्स ड्रग्स नहीं। मुरादाबाद के जैनुल आबेदी ने तोड़ा अमेरिका के धावक का रिकॉर्ड, रनिंग मशीन पर लगातार 12 घंटे तक लगाई दौड़। प्रेम प्रसंग में लखनऊ निवासी युवक की सीतापुर में हत्या, पुलिस ने आरोपित महिला को किया गिरफ्तार। तो गड़िया ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बोले सिर्फ बातें ना करे, सरकार में है तो हिंदुओं के लिए काम करके दिखाएं। फ्रांस में कोरोना मचा रहा कोहराम, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड लाख संक्रमित। चीन के लड़ाकू विमानों ने फिर लांघी सीमा, ताइवान के डिफेंस जोन में भेजे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट। ब्रिटेन ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए वीजा नियमों में दी ढील, जल्द कर सकेंगे आवेदन। हाउती विद्रोहियों ने सऊदी के शहर को बनाया निशाना, 2 की मौत, 7 हुए घायल। म्यांमार में सैन्य जुटा ने क्रूरता की सारे हदें की पार, 30 लोगों की हत्या के बाद जला दिए शव। जो रूट ने बतौर कप्तान बना डाला असंभव रिकॉर्ड, विराट कोहली से मीलो आगे। हार्दिक पांड्या ने क्रिसमस के लिए खूबसूरत सजावट, बच्चों ने कुछ देर में बदल दी घर की सूरत। हिमाचल प्रदेश में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, सीएम जयराम ठाकुर ने दी बधाई। रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट में हुए पास, वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहला फिटनेस टेस्ट किया पास। टीम इंडिया की खराब शुरुआत, अंडर 19 में पहले ही मैच में झेलनी पड़ी हार, पाकिस्तान के खिलाफ झेलनी पड़ी हार। आर्थिक तंगी से जूझ रहे महाभारत के भीम, प्रवीण कुमार ने सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। नोरा फतेही ने कपिल शर्मा के साथ डांस मेरी रानी पर किया शानदार डांस, वीडियो हुआ वायरल। आरआरआर के प्रमोशन के लिए फिल्म के स्टार्स पहुंचे बीबी हाउस, सलमान खान संग नाचो नाचो पर किया डांस। नुसरत जहां ने अपने लिटिल सेंटा ईशान के साथ मनाया क्रिसमस, बेबी सेंटा के साथ शेयर की पिक्स।
वेलकम के तीसरे पार्ट की शूटिंग 2022 में होगी शुरू। फिल्म में नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल आएंगे नजर। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।